हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं गॉड से भी यही प्रे करूँगी कि आप सब अपने घरों में बहुत ही ज़्यादा अच्छे हों। गाइस, जो मैं आज आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ वो है आईब्रोज थ्रेडिंग के ऊपर। मतलब कि बहुत सारे बिगनर्स हैं जिनको आईब्रो का बेसिक ही नहीं पता है और जिनको आईब्रो डिफाइन करने ही नहीं आती है, उनको यही नहीं पता है कि हमें कहाँ से स्टार्ट करनी है और कहाँ तक हमें फिनिश करनी है और कितनी लेंथ रखनी है और कितनी ब्रॉड करनी है। तो गाइस, आज मैं आपको इजी वे में बस यही बताना चाहूँगी कि हमको कैसे आईब्रो डिफाइन करनी चाहिए और कौन कौन से शेड यूज़ करने चाहिए। गाइज, बहुत सारे जो है मेकअप आर्टिस्ट है वो आपको डीपली नहीं बताते हैं कि आपको थ्रेडिंग डिफाइन कैसे करनी चाहिए। तो आज मैं आपको डीपली बताऊंगी कि आपको डिफाइन कैसे करनी चाहिए। और आपके लिए एक गुड न्यूज़ और है, मैं आपको विदाउट पेंसिल एंड विदाउट कोई जो आप स्पेशली आईब्रोज़ के लिए लेते हो, आईब्रो डिफाइनर क्रीम प्रोडक्ट लेते हो, मैं उनके बिना आपको आईब्रो डिफाइन करना सिखाऊंगी। ओके गाइज, तो जैसे आप देख सकते हैं कि जो हमारी आई शेडो पैलेट होती है ना, ये देखिए जो हमारी आई शेडो पैलेट होती है, हमने इसी के साथ अपनी आईब्रो डिफाइन करनी है। ओके, हमने कोई स्पेशली प्रोडक्ट नहीं लेना है क्योंकि जितने भी वुमेंस होती है या गर्ल्स होती हैं, सबके पास ही ऑलमोस्ट आईब्रो शेडोज होते हैं, आई शेड्स होते हैं। ओके गाइज, तो मैं उनका बेनिफिट उठाना बताऊंगी आपको कि कैसे उनका बेनिफिट उठाना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमने सबसे पहले क्या करना है, वैसे अगर आप घर पर कर रहे हैं तो आप कोई भी ब्रश यूज़ कर सकते हैं जिसके साथ आप आई शेडो एप्लीकेशन करते हैं। ओके गाइज, अगर आप प्रोफेशनल वे में जाएंगे तो आपको एक ब्रश मिलता है, देखिए ये देखिए कि जो शेप होती है ये होती है एंगल। ओके, जो इसका ब्रश का नाम है वो है रेक्टेंगुलर ब्रश भी बोलते हैं इसको, और एंगुलर ब्रश भी बोलते हैं इसको, एंगल्ड ब्रश भी बोलते हैं। ओके गाइस, तो हमने इस ब्रश के साथ अपनी आईब्रो डिफाइन करनी है। अगर आपके पास कोई भी, अगर आप घर पे कर रहे हैं तो आपके पास कोई भी मतलब कि आई शेडो एप्लीकेटर ब्रश होगा तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। ओके गाइस, तो जो हमारा आईज़ का बेसिक होता है, मैं आपको पहले बेसिक बता देती हूँ। जो हमारी आईज़ होती है, ये मेरी जो आईब्रो की शेप है, ये मेरी शेप है कर्व शेप में। ओके, लाइट कर्व है, एक हाई कर्व होती है और मेरी लाइट कर्व है। ओके गाइस, तो जो हमारा, जो हमने कहाँ से स्टार्ट करनी है, बेसिक जो मैं आईब्रो का आपको बताने जा रही हूँ, हमने कहाँ से स्टार्ट करनी है, हमने मिड से स्टार्ट करनी है। जैसे हम लाइनर मिड से स्टार्ट करते हैं, हमने आईब्रो को भी मिड से ही स्टार्ट करना है। और मिड में हमने कौन सा शेड देना है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ओके, जो हमने मिड में कौन सा शेड देना है, वो हमने ब्राउन शेड देना है। बहुत सारे होते हैं लोग जिनको ये बिल्कुल भी नहीं पता होता कि हमने आईब्रो में ब्राउन शेड देना होता है। डायरेक्टली अगर हम ब्लैक शेड देते हैं तो वो हमारा एक हॉरिबल मेकअप बन जाता है। ओके, तो हमने डायरेक्टली ब्लैक शेड नहीं देना है कभी भी, हमने एवरी टाइम हमेशा ही हमने यहाँ पे पहले ब्राउन शेड देना है, देन उसके बाद हमने ब्लैक शेड देना है। ओके गाइस, तो चलिए अब मैं आपको करके बताती हूँ। सबसे पहले हमने डार्क ब्राउन शेड लेना है। मैं आपको किट दिखा देती हूँ, ये देखिए ये मेरा डार्क ब्राउन शेड है। हमने डार्क ब्राउन शेड लेना है, सबसे पहले इसको यूज़ करना है। जो पोजीशन होगी ना, जो हमारा थोड़ा लेंथी है उसको हमने ऐसे रखना है ब्रश को, ये देखिए आपको दिख भी रहा होगा, जो हमारा लेंथी ब्रश है वो ऐसे होगा और जो थोड़ा सा छोटा है स्मॉल साइज में है, उसको हमने बैक साइड पर रखना है। आपको गाइडलाइन नहीं मिल रही है तो आपने क्या करना है, जो हमारा ये सबसे वाला कॉर्नर होता है ना, इसको हमने 90 डिग्री पे रखना है। ओके, 90 डिग्री पे यहाँ से ऐसे जाएगा ये, ठीक है। जो हमारा यहाँ पर इनर कॉर्नर होगा, यहाँ से लेके हमने ऐसे 90 डिग्री पर जाना है, तो हमारा यहाँ पर एक पॉइंट बन जाएगा, ठीक है। हमने फर्स्ट क्या करना है, इस पॉइंट को इसके साथ ऐसे जॉइंट कर लेना है। ओके, समझ में आ रहा है? हमने पहले क्या करना है, इस यहाँ से लेके 90 डिग्री में जाना है, यहाँ पर एक पॉइंट होता है, हमने पहले इस चीज़ को
क्रिएट करना है, ठीक है। देन आपने क्या करना है, 0 डिग्री पे आ जाना है, ऐसे 90 डिग्री से 0 डिग्री पे आ जाना है, ओके। तो हमारी जो थ्रेडिंग की शेप है वो बन जाएगी। ये उनके लिए बताया मैंने जिनको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है कि हमने थ्रेडिंग को डिफाइन कैसे करना है, ओके गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। करना है अब हमने कौन सा शेड यूज़ करना है, अब हमने ब्लैक शेड यूज़ करना है, ओके गाइस। जो हमारा 90 डिग्री का पॉइंट था उसको हमने ऐसे स्ट्रेट लेके जाना है, देन हमने फ्लॉ देना है नीचे। तो ज्यादा डार्क नहीं चाहिए थ्रेडिंग, तो आप ब्लैक शेड मत यूज करना, आप ओनली डार्क ब्राउन शेड ही यूज करना, ओके गाइस। क्योंकि बहुत सारे होते हैं जिनको डार्क थ्रेडिंग पसंद नहीं होती है, तो उनके लिए कि वो ब्राउन शेड यूज कर सकते हैं। हमने अपनी थ्रेडिंग को कलर दे दिया है, देन हमने क्या करना है, अपने थ्रेडिंग को कंटोर करना है, ओके। कंटोर करने के लिए हमने एक बेस लेना है, मैंने ये बेस ले लिया है, ओके। और हमने बेस को ब्रश के साथ अप्लाई करना है, ये मैंने ब्रश लिया है। फर्स्ट हमें नीचे से करना है जहां पर हमने लाइन ली थी, मैंने दोनों आईब्रोज को अच्छे से डिफाइन कर लिया है। ये देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ आ रही है। अब हमने क्या करना है, ये जो हमारा बेस लाइन से शो हो रही है ना, हमने इसको अच्छे से ब्लेंड करना है। ब्लेंड हमने करना है ब्यूटी ब्लेंडर के साथ, ओके गाइस। ये हमारा ब्यूटी ब्लेंडर है और हमने इसको अच्छे से ब्लेंड करना है अपनी आईज को। हमने ये वाला एरिया जो थोड़ा ब्रॉड वाला एरिया है, हमने ये वाला एरिया यूज़ नहीं करना। हमने आईब्रोज के लिए एवरी टाइम हमने कॉर्नर यूज़ करना है, ओके गाइस। और ब्लेंडिंग के लिए हमने डैपिंग करनी है, हमने इसको रगड़ना नहीं है, ओके। फाइनली या फाइनली लुक देख सकते हैं मेरी की फाइनल लुक कैसी आ रही है। मुझे तो बहुत अच्छी लग रही है। आप भी प्लीज़ कमेंट करके बताना कि आपको कैसी लग रही है और हमारा ट्यूटोरियल आपको कैसे लगा। प्लीज़ टू लाइक एंड शेयर अ कमेंट, ओके गाइस। थैंक यू सो मच। आई विश आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी हो। प्लीज़ सपोर्ट इट एंड लव यू ऑल। बाय बाय।